हम देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अभी देख लीजिए आप, मार्केट ऊपर नीचे आएगी ज़रूर, तो मैं नीचे वाले पर लगा लेता हूँ। मैंने लगा लिया है 70 रुपये। मुझे लग रहा है मार्केट डाउन जाएगी। अब 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के अंदर में देखते हैं मार्केट डाउन जाएगी। मैंने नीचे वाले पे लगा लिया है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा देखते हैं। अभी मेरे अकाउंट में 9,399.10 रुपये हैं। मार्केट देख लीजिए आप, नीचे आ गई है। अगर 1 मिनट तक नीचे रहती है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और जहाँ तक मेरा आशा है कि नीचे ही रहेगी। अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि नीचे मैंने क्यों लगाया और क्यों मुझे ऐसा लगा कि नीचे रहेगी मार्केट 1 मिनट तक, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले आप लोग लाइव देख लीजिए कि मेरा अर्निंग देखो, मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ। प्रॉफिट हो गया मेरा, 63 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अभी मैं जीत के दिखाता हूँ कि मार्केट डाउन जाएगी कि अप आएगी। मार्केट मुझे लग रहा है अप आएगी, तो मैंने अप पे लगा लिया है, लेकिन मार्केट डाउन ही जाएगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, मैंने तुरंत लगा लिया, तो अभी डाउन ही जाने का संभव है। ये मेरा लॉस भी हो सकता है। तो अभी आप जाने लगी, अगर आप फिफे ही रहेगी तो मैं विन कर लूँगा, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देखो आप लोग कितना ऊपर जा रहे हैं, मैंने आप पे लगाया था, देख लीजिए आप लोग। ये सब कैसे हो रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, आप लोग पहले देखिए वीडियो, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट है, आप लोग देख भी सकते हैं। रियल अकाउंट से मैंने पैसे लगाया, मैंने फिर से 63 रुपये विन कर लिया, 63 रुपये 70 पैसे। अब मैं जितना यहाँ पर लगाऊंगा ना, मुझे इसका 91% मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने गोल्ड OTC में मैंने लगाया है। ये गोल्ड OTC मार्केट कंपनी है, मैंने इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। और अभी मुझे लग रहा है मार्केट जो है ना अप जाएगी ही जाएगी। हाँ, मार्केट अभी अप ही रहेगी मुझे लग रहा है, जहाँ तक तो मैंने लगा लिया है, अप पे लगा लिया है मैंने। देखते हैं मार्केट अप ही रहती है कि डाउन आती है। डाउन आएगी जहाँ तक आशा लग रहा है। कहीं भी गेम लगाने से पहले, मान लो ट्रेड करने से पहले, उसका चार्ट देख लीजिए। चार्ट कहाँ से डाउन हो रहा है, कहाँ से अप हो रहा है, वहाँ से लगाना है आप लोगों को, बीच से नहीं। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैंने बीच से ही लगा लिया। अब मैं फिर एक ट्रेड ले रहा हूँ, मैं डाउन का ले रहा हूँ कि मार्केट डाउन जाएगी, मैंने ले लिया। मुझे लग रहा है अभी मार्केट डाउन जाएगी, वो वाला तो मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे पता है वो लॉस हो गया। समय ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा कम समय हो नहीं रहा है इसमें। अगर समय कम होता तो और सही था, क्योंकि 1 मिनट तक मार्केट चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। अभी देख लीजिए, अगर 15 सेकंड का लगाते तो मेरे लिए ज़्यादा सही था। ये भी शायद मेरा लॉस ही जाएगा। चलो कोई नहीं, उसको तो मैं कवर कर लूँगा। फ़िलहाल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये कैसे होता है। ये जो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पे एक डॉट 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 बंदी बनी हुई है, ये और ये जो लाइन जो चल रही जो इसके साथ है,
ये एक रेड लाइन है खींची हुई है, ऊपर नीचे हो रही, जैसे जैसे हमारा मार्केट अप डाउन हो रहा है वैसे एक उसके साथ में एक ग्रीन लाइन भी है, एक रेड है। वो दोनों लाइन के और ये जो पैराबोलिक है इसको बिंदी, इसी से हम एनालिसिस करते हैं हमारे मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी। अब आप लोगों को बता देते हैं, जैसे देख लीजिए आप ये जो रेड वाली को जैसे ब्लू वो ग्रीन वाली काटी है, काट के अप की तरफ गई है, तो देखो आप यहाँ से जहाँ से कटी है यहाँ से ये अप जा रहा है, अप आया यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से जब डाउन हो गया, यहाँ से अप आया, जैसे मान लो तीन तीन ग्रीन जो है, तीन ग्रीन कैंडल बना अप की तरफ, उसके बाद एक बड़ा सा बना डाउन की तरफ, इसका मतलब डाउन जाएगी मार्केट। उसके बाद छोटा बना, फिर उसके बाद पूरा, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे ये पूरा बन गया, पूरा कैंडल फील हो गया है, उसमें थोड़ा सा भी वो नहीं छुटा है, पूरा फील हो गया। उसके बाद मार्केट बराबर चलने लगी, अप डाउन अप डाउन। और जो ये बिंदी का जो है जो टिक लग रहा है, ये अगर अप की तरफ लग रहा है तो समझ लो मार्केट डाउन जाएगी, और अगर डाउन की तरफ लग रहा है समझ लो मार्केट अप जाएगी। इसको हम ऐसे एनालिसिस करते हैं। और मार्केट ऐसे ही नहीं, जैसे मान लो अभी ये अप डाउन थोड़ा थोड़ा हो रही है, तो इस पे हम नहीं लगाते हैं, इस पे अगर लगाते हैं लॉस जाने का मेरा चांसेस है। और 1 मिनट से कम कर लीजिए आप, 15 सेकंड का ले लीजिए, 1 मिनट तक का मत लगाइए क्योंकि मार्केट उतने में चेंज हो जाती है, इसलिए 15 सेकंड का रहेगा। 15 सेकंड में आप लगाएंगे तुरंत विन हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए, यहाँ से काटी थी लाइन, तब से ऊपर जा रही थी मार्केट, उसके बाद यहाँ से काट के डाउन आई है ग्रीन लाइन, जैसे देखो रेड लाइन को काट के डाउन की तरफ आई है, और ऊपर भी वो बिंदी वाला ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब है नीचे आएगी। तो देखो कंटिन्यू मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे, शुरू तक अभी यहाँ तक नीचे चल ही रही है मार्केट, आप लोग खुद देख लीजिए। जैसे कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन लाइन काटेगी रेड लाइन को, तब ये मार्केट ऊपर जाने लगेगी, या तो ये बुंदी जो है ना ये अगर नीचे होने लगेगा तो पैराबोलिक जो है इसको नीचे अगर आएगा तो ये समझ लो मार्केट अप जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसको कैसे सेट करते हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।